नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय विकास त्रिपाठी जी हम सभी निवेशकों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक सभी निवेशकों का पैसा नहीं मिल जाता तब तक माननीय विकास त्रिपाठी जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि श्रीमती उमा देवी शिक्षा मित्रों की लड़ाई लगभग 2 साल से लड़ रही है, और 2 साल में हजारों आंदोलन किए, यहाँ तक कि अपने सर के बाल भी मुड़वा लिए विधानसभा के सामने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान। लेकिन फिर भी इस सरकार ने उमा देवी जी की मांगों को नहीं माना। तो साथियों, इस तानाशाही सरकार को हम सभी निवेशकों को उखाड़ कर फेंकना है, ताकि जिंदगी में कभी भी ऐसी सरकार वापस ऐसे कार्य न कर सके। और साथियों, कल यानी कि 24 मार्च 2019 को पल्स भवन में श्रीमती उमा देवी जी आई थी और हम सभी पीड़ित साथियों के साथ खड़ी हुई और आगे की लड़ाई में सहयोग करने का वादा भी किया है। तो चलिए साथियों, माननीय विकास त्रिपाठी जी के साथ साथ श्रीमती उमा देवी जी का यह वीडियो देखते हैं। और साथियों, अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी निवेशकों तक पहुँच पाए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं यह वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। आपके नाम को दोहराया जाए, कोई कलंकित शब्दों में ना आपको दोहराए, इस चीज को याद करते हुए और सभी यहाँ उपस्थित मेरे से बड़े भी हैं लोग, सभी को प्रणाम करते हुए, तो छोटे आशीर्वाद देते हुए बहनों को इसमें अपनी दूंगी कि बेचारी अपने घर गृहस्थी दुनिया जमाना छोड़ करके तानाशाही घर और समाज का दोनों का त्याग करके इस मैदान में खड़ी है, अपने साथ धंधे से कन्या को मिला दीजिए, उनके लिए विशेष आभार प्रकट करूंगे। और इसी के साथ हम लोग बैठ जाएंगे जो हमने पीछे से इतना गड्ढा खोदा है, और खोद के हम लोग कहीं चले जाएं तो आंधी उंगड़ लड़के बच्चे हो फिर माटी डाल देंगे। डालेंगे कि नहीं, कभी इस चीज को कल्पना कीजिए। कुछ नहीं होगा तो पड़ोसी ही डाल देगा, कहेगा ले गड्ढा है इसी में कूड़ा डाल दिया। तो जो हमने 3 साल से गड्ढा खोदा है वो पूर दिया जाएगा इन 2 महीनों में, और जो हमारी मेहनत थी वो बेकार चली जाएगी, उसको समाप्त ना होने देना। अगर अपनी लड़ाई को जिंदा हम लोगों को रखना है, आप लोगों से विचार अभी हम लेंगे, सभी लोग विचार रख लिए कि ये 2 महीने हम न्यूज पेपर पे टीवी पर कैसे आए बिना लाठी खाए, क्योंकि तो पैसा हमें लेना लाठी नहीं लेनी है, क्योंकि लाठी का नंबर आता है तो पीछे 10 आदमी भी नहीं बचते। ये अभी हमने दिल्ली में जब गिरफ्तार हुए थे तो मैंने देख लिया था। इस वजह से बहुत लोगों के फोन आते हैं, रेल रोक दो, हाईवे जाम कर दो, शायद उनको ये नहीं मालूम होगा आचार संहिता क्या होती है, धारा 144 क्या होती है, इसलिए अनजान बन के या जानबूझकर हमको फंसाने के लिए ये काम करने के लिए उन्होंने ये इस प्रकार का आईडियो बहुत चल रहा है। और कहीं दूर का व्यक्ति नहीं, हमारे घाटमपुर के ही है महेश पटेल। अगर आदमी कहीं पर भी आईडियो डालेगा विकास त्रिपाठी के पास में ऑल ओवर इंडिया क्या आज सऊदीया से लेके कई विदेशों में हमारा नंबर पहुंच चुका है और बकायदा उनसे बातचीत होती है, क्योंकि वो भी पीड़ित परिवार के व्यक्ति हैं। और अगर मैंने संकल्प लिया है हर व्यक्ति का पैसा दिलाने का, वो चाहे विदेश में हो चाहे अपने देश में, आखिरी निवेशक तक ये विकास त्रिपाठी का संकल्प है कि पैसा दिलाकर ही चैन की नींद सोएगा। पर मैं बात करता हूँ जो मेरे लोकल बंदे भाई होते हैं, मैं थोड़ा उनसे निराश होता हूँ कि व्यक्ति 10-11 किलोमीटर दूर आज 1 घंटा नहीं दे सकता है, इसलिए मैं नाराजगी अभी भी फोन देखो चालू है, आने वाले आ रहे हैं, देख लीजिए मज रहा है। तो समस्या इस चीज की है कि व्यक्ति यहाँ पे ना आकर फोन पर जानकारी वो दिल्ली और बम्बई अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए कैसे करेगा, कल की डेट में आवेदन करने के बाद में क्या विश्वास है कि हमारा पैसा मिल जाएगा, है किसी को विश्वास? कीजिए आप, कितने लोगों को विश्वास है? अगर 2500 वाले 2 फरवरी 2018 को आवेदन हुए थे, 2 फरवरी 2018 को 1,43,00,000 आदमी था 2500 वाला जिनका इतना पैसा जमा था, और आज
इन्होंने इतने बड़े वाले पैसे वालों को भी ठोक दिया। आपने पिछले आवेदनों का हिसाब नहीं किया और नया कैसे आपने खोल दिया, ये मांगने की बात है। हर बार हम आपको दिल्ली बंबई नहीं बुला सकते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकता है, इतना तो एक केबिन में भरता था आदमी जितना यहाँ पे है, और तीन खंड की बिल्डिंग है। आदमी को जगह नहीं रहती थी पैर रखने की, और फोन पे फोन करते रहेंगे कि भाई साहब बताइए। इसलिए मैं नाराज होता हूँ। मैं भी जानता हूँ व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, इसलिए मेरे से जानकारी करना चाहेंगे। मेरे को गुरूर नहीं है, अहंकार नहीं है कि मैं इस लड़ाई को और लड़ रहा हूँ। मेरे को जानकारी है मैं क्यों दूं, पर पीड़ा इस बात की होती है कि कानपुर का लोकल व्यक्ति जब आज यहाँ पे नहीं आ सकता है तो अपने पैसे के लिए दिल्ली और बम्बई या लखनऊ कैसे जाएगा, सोचने की बात है। इसलिए मैं नाराज होता हूँ। बुरा लगता है तो क्षमा करना, छोटा हूँ और बड़ा या कभी नेता नगरी नहीं, केवल यहाँ पे मैंने अपने परिवार का पोषण करने के लिए यहाँ पे मैं कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा था। कोई शौक नहीं था आज यहाँ पे दरी बिछाकर और धर धर हर नेताओं के घरों के चक्कर में लगा रहा हूँ। कभी मैं कभी सांसद के पास कितने लोग बैठे हुए हैं कि आज के पहले बस PSL के पहले आप किसी सांसद से अपने काम के लिए गए हो, किसी सांसद के पास गए हो, सही सही बताइए। मैं तो कभी नहीं गया, पर मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि ये बात आज हमारी नेशनल लेवल की है, राष्ट्रीय मुद्दा है। सांसद कोई गली और नाली और रोड का काम नहीं होता है सांसद का, उसके लिए पार्षद और विधायक होता है। सांसद का जो कार्य होता है, हमारे जैसे मुद्दे ये बड़े मुद्दे हैं। 6 करोड़ जनता आज मर रही है, और ऐसे ही कई कंपनियां हैं जो जिन्होंने भारत सरकार, कोई भी राज्य कोई भी पार्टी की सरकार नहीं हो, पर भारत सरकार ने उन कंपनियों को लाइसेंस दिया था। कोई गलत नहीं थी, और गलत थी तो आपने क्यों 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में बंद कर क्यों नहीं किया? 30 साल 35 साल 40 साल के बाद में आपको क्यों होश आया, ये सोचने का विषय है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी पार्टी की हो, हमें इस चीज का मतलब नहीं है। और आज बोला जाता है नेता बनना मजबूरी में नेतागिरी, और ये आज यहाँ पे मैं पकड़ के यहाँ पे बोलना पड़ रहा है। अगर किसी का पैसा ना फंसा होता हमारे कहने पे कौन मेरे घर आ गया? होली तक मैं नहीं आया, कोई आया होली में? यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ऑफिस है और हम आप पीड़ित हैं, हमारा भी फंसा है, आपका भी फंसा है, और उसके लड़ाई के लिए एकता बनाकर और आगे की जानकारी और कैसे आगे संघर्ष किया जाए उसके लिए यहाँ पर कार्य योजनाएं, उस पर चर्चाएं होती है, किस वजह से आता है। बाकी सब लोग अपने अपने मतलब के लिए आते हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। मैं भी अपने मतलब के लिए हूँ, क्योंकि अकेले मैं भी नहीं लड़ पाऊंगा। अगर आपका साथ होगा तो मेरा भी निकलेगा, तो आपका भी निकलेगा। गलत कह रहे हो तो बताइए। इसलिए कोई किसी के ऊपर एहसान ना दिखाए कि भाई साहब आपके कार्यक्रम में गए थे, ये हमारा पर्सनल कोई कार्यक्रम नहीं है। आगे मैं अभी आप सारे लोगों से एक एक व्यक्ति से विचार और सुझाव कैसे आगे इस लड़ाई को किया जाए, क्योंकि जिंदा रहना है तो ये तो अपना नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसे मोड़ पे छोड़ दिया कि वह साइड ऐसे घूमा थी। 2:30 बजे 3 बजे सुबेरा हो गया, छत्ती लगी, 8 बजे उठे तो भी घूम रही है। तो क्या हम केवल इसी को घूमते हुए कंप्यूटर को देखते रहे? ये सरकार का बहुत बड़ा नाली पाप है। बाकी अगर आपका संघर्ष और साथ बना रहा तो ये जो उन्होंने बोला है ऑफलाइन और ऑफिस के माध्यम से, अगर साथ बना रहा और जीवित रहे तो ये समझ लीजिए काम होगा, उसमें कोई परहेज नहीं करना है। बाकी जिनके पास, फिर मैं पूरा बोल रहा हूँ, जिनके पास पेपर कंप्लीट हो ऑनलाइन आवेदन करें। जब साइड ही नहीं चल रही, कैसे लगेगी ये बताइए। यहाँ पे मुझे ना जाओ यार, यही आप थोड़ा लेट आए। यही मैंने बताया कि 18 से 23 तारीख में एक पेपर कंप्लीट हमारे आलम जी ने किया, तो दिक्कत ये है जितने हो रहे आवेदन होंगे, और आवेदन होने के बाद में साथ ना छोड़ना क्योंकि पैसा भी नहीं आया। और जो उन्होंने बोला है कि केवल
अभी मूलधन क्योंकि जो उनके पास प्रापंकित दिखी है जितना फंड आया है उसका वो लोन अभी केवल मूलधन देंगे। उसके बाद में क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, विकास त्रिपाठी ये बोल रहे हैं, अरे विकास त्रिपाठी कौन अपनी जेब से दे रहे भाई? ये जो उनकी साइड में पड़ा हुआ है कि जो प्रेस में पब्लिक के आ रहे हैं कि अभी हमारा पैसा ही पैसा मिलेगा कि ब्याज भी मिलेगा, कि ब्याज सहित पूरा पैसा मिलेगा, तो उन्होंने साफ कहा है कि अभी हमारे पास जो फंड आया है उसका हम मूलधन अभी देंगे, ये सेबी ने बोला है और ये सेबी की साइड में भी पड़ा हुआ है। तो और उसके बाद में जैसे जैसे जमीनें वो बेच पाएंगे वैसे वैसे आपके खाते में पैसा डालेंगे, ये उन्होंने बोला, हमने नहीं भी एक बात, और ये लिखित में भी उनकी साइड में भी पड़ा हुआ है। दूसरा, चलो अभी फिर हम एक बार बोलेंगे क्योंकि कुछ लोग बाद में आए हैं, चले हमारे विश्राम जी। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।